भाई मासूमियत में पी एस आई विक्रम का रोल निभा रहा हूँ और हरी सर ने मुझे वो मौका दिया है। मैं पूरी मेहनत की कोशिश करूँगा कि मुझे जो किरदार दिया मैं उसको अच्छे से निभाऊँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। इससे पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने इससे पहले 15 साल पहले कनाडा में काम किया हूँ, उसके बाद वो एक सीरियल किया था, वो कुछ कारण से रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जॉब किया 15 साल, जॉब छोड़ के अभी मैं इस लाइन पे वापस आया। मेरा नाम जेडी गवई है, मैं एक मासूमियत सीरियल के अंदर काम कर रहा हूँ और अली साहब ने मुझे एक मौका दिया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आगे भी ऐसे ईमानदारी से मेहनत से काम करता रहूँगा। इसके पहले मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। सर बी एस एल बहुत सारी मूवी बनाई है और बना दिया है। सुना तो है मैंने, हमारे बी एस एल जी उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये प्रोजेक्ट भी बना रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है और अली साहब के साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दिल के मालिक है। तो आपका क्या कैरेक्टर है इस वेब सीरीज? इसमें मेरा एक हजारी भाई का कैरेक्टर है, गुजराती फैमिली है, तो आप देखेंगे सीरीज़ के अंदर तो आपको पता चलेगा। मेरा नाम लवीश है, मैं लुधियाना पंजाब में रहता हूँ। तो मैं इस मासूमियत फिल्म में एक रजनू भाई का रोल निभा रहा हूँ, तो अली सर ने मुझे चांस दिया तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अली सर को और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये किरदार अच्छे से निभाऊँ। इससे पहले कोई आपने? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। आगे कुछ प्लान है करने का? हाँ जी हाँ जी, आगे तो करेंगे, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को जाना है, लाइन चल तभी चलूँगा। तो कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर निभाती? मेरे को बढ़िया लग रहा है और अली सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे को ये चांस दिया। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इस वेब सीरीज के लिए, किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये वेब सीरीज बना रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा और ये कॉन्सेप्ट है एक क्राइम की बेस पर, क्योंकि जो लोग गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करके वो अपना ही नुकसान करते हैं, तो इस बेस पर है कॉन्सेप्ट। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब सीखने के बाद मेरे हाथों से तैयार होकर अपना काम कर रहे हैं और सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि बहुत आगे बढ़े, मेरे अलावा भी इनको 10 काम मिले और मेरे से जितना बन सकेगा, जितना भी मैं वर्क करूँगा, तो जो जो जिस लाइक रहेगा उसको हमेशा अपने साथ रखूँगा। सर जो नए नए आपके चेहरे आते हैं और इनके साथ में कैसा आपको देखिए कठिनाइयों का तो भंडार है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको चलना आना चाहिए, रास्ता खुद में खुद मिलता है, मंजिल मिलती है। अभी इन लोग को बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सपाइजेड इनको सेंस नहीं है, शूट के दौरान ही मुझे बताना पड़ता, सिखाना पड़ता, समझाना पड़ता, तब ये लोग कर पाते हैं। और अगर ये जब इनमें सेंस आ गया कि मेरे पास थोड़ी आएंगे, यशराज में जाएंगे, बड़े बड़े एक्टर बन जाएंगे जिस समय, तो मेरे पास थोड़ी आएंगे। जैसा कि सर देखा जाए, जैसा कि कॉन्सेप्ट रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, उसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर शूट करना चाहिए, कौन सा, तो ये डिफरेंट पार्ट्स आप बोलेंगे? भाई मैं 15 साल से इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ऑलरेडी मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट किया, अब मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ लेकिन है सब बड़े बड़े लोग, है ना। जहाँ तक ऋतिक की फिल्म में भी मैंने कास्ट किया है, बहुत सारी इमरान हाशमी की फिल्म में भी मैंने कास्ट किया है, बहुत सारे सीरियल कास्ट किए हैं मैंने। जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के नाते एक्टर, कैमरा, लाइट, फोकस, सिंगर, सब काफ़ी सारी चीज़ें को एक साथ संभाल कर चलना पड़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ ये भी बात सही है आपकी कि संभाल के लेके चलना पड़ता है। एक्चुअली में मैंने इतना 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 खोया है ना, कैमरामैन बहुत 10,000 पर डे के भी यूज़ किए, करते गया हूँ, सब कुछ सीखा मैंने उन लोगों से, पैसा अगर मैंने उन लोगों को दिया तो उनसे सीख लिया कि एक्चुअल में कर क्या रहे। जब मैं डायरेक्शन में नहीं था तो डायरेक्टर रखता था, अपॉइंट करता था, उनसे भी सीखता था, तो मुझे उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियाँ दिखी, मुझे उनसे सीखने तो मिला लेकिन उनकी कमियों को भी मैंने पकड़ा, तो अब मैं कोई कमी नहीं करता हूँ, उस हिसाब से अपने आप को लेके चलता हूँ, नए लोगों के साथ खेलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है।
अच्छा सर, ये वेब सीरीज की बात किया जाए तो इसकी शूटिंग का कहाँ चल रहा है? ये शूट यहीं हो रहा है या और कहीं बाहर की लोकेशन? ये जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ वहाँ करूँगा। आज तो हमारा यहाँ है, आगे अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा कहीं का लोकेशन हायर करूँगा। अच्छा, हर हर एक जैसे वेब सीरीज में अलग अलग लोग आते हैं, सीरियल आते हैं, तो इस सीरीज वेब सीरीज में जो आए हैं उनका प्रभाव आपके साथ कैसा है? अच्छा है, और इस वेब सीरीज में जो काम कर रहे हैं वो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, कुछ लोग दो पहले प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, तो मुझे रिक्वायरमेंट लगा तो फिर मैंने उनको बुलाया। पहले थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, आज थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आगे कोशिश करूँगा तो और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा सर, ये इतना जैसे वेब सीरीज है इसका कोई तो सिनेमा होगी फिर भी कितने दिन की वेब सीरीज हो सकती है, किस तरह से? भाई क्राइम डायरी जो रेल घटनाएं होती हैं, आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि टेम्पो में बच्चा मिल गया छोटा सा, है ना, तो वो क्यों मिलते हैं? वो एक सीख है ताकि हम लोग उन तक ये मैसेज पहुंचा दें कि आप गलत मत करिए, अगर आप गलत कर भी रहे हैं तो उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने टेम्पो में डाल दिया। अच्छा सर, यहाँ पे आज ये वेब सीरीज का शूट हो रहा है तो यहाँ का किस तरह का कॉन्सेप्ट है लोकेशन में? ये वही कॉन्सेप्ट कि आप मिस यूज मत करिए किसी को, और अगर मिस यूज हो गया तो आपका भारी पड़ेगा। आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट इसके अलावा भी? हाँ, मेरा नवंबर एंड से बन जवान स्टार्ट होगी, उसका प्रोग्रेस चल रहा था, अभी तक थोड़ा स्क्रिप्ट पे भी काम चालू, कंप्लीट हो जाएगा 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, जो जो उसमें कैरेक्टर फाइनल करूँगा उनको स्क्रिप्ट जाएगी, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, नवंबर एंड से उसका शूटिंग होगा। और कुछ अपने ऑडियंस आप शेयर करना चाहते हैं? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसको मुझसे जुड़ना हो वो जुड़े, मैं उसके लिए काम करूँ। मेरा नाम सुधीर नागर है और हरी सर ने मुझे जो कैरेक्टर दिया है वो मुझे अच्छे से निभाना ही है, और इन्होंने जो विश्वास दिखाया है उसके ऊपर खड़ा होते हैं। कहीं आपने इससे पहले काम किया हुआ है? नहीं, इससे पहले काम नहीं करता था, रेडीमेड शॉप में काम करता था, ये फर्स्ट चांस है। कैसे लग रहा है वेब सीरीज में काम करके और जो कैरेक्टर मिला है उसके ऊपर काम करना है? ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं सर, जैसे मेरा काम देखेंगे सर वैसे ही मेरे को काम देंगे, ऐसे अच्छा ही। सर आपका? मेरा नाम रसीद मंसूरी है, मैं अली सर से मिला, ऑनलाइन नंबर मिला गूगल पे तो जुड़ा, अली सर ने मौका दिया चांस और इसमें मासूमियत में काम करने जा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और अली सर से मिलके, और आगे भी अच्छा काम करूँगा, अली सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। मैम, मेरा नाम शुभांगी कलंत्रे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। अभी मुझे अली सर ने मुझे इस मासूमियत में गुजराती फैमिली में काम करने का मौका दिया है, और मुझे अच्छा काम करना है, इसके आगे बढ़ना है मुझे अच्छे से, और मैंने इससे पहले भी टी सीरीज में काम किया है, अली सर ने वो भी मौका मुझे दिया था किडनैपर का, किडनैपर सीरियल में मैंने काम किया है, और मैं अली सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अली सर के वेब सीरीज कौन कौन सी वेब सीरीज में आपने काम किया पहले? ये की फर्स्ट वही, ये सेकंड टाइम है मेरा। इससे पहले और कोई प्रोजेक्ट में काम किया नहीं? सबसे पहले मैम आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मंजू सहानी है, मेरा नाम मंजू सहानी है और मैं वांगनी से आई हूँ, एंड मुझे इस मेरा ये फर्स्ट शूट है और इसमें मुझे सीमा का कैरेक्टर मिला है, तो मतलब मैं बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे से इस कैरेक्टर को करूँ और मुझे इससे भी आगे और काम मिलता रहे। सीमा किस तरह का कैरेक्टर है ये? एक्चुअली ये सीमा का फ्रेंड का कैरेक्टर है, जिससे कि मैं अपनी फ्रेंड को मोटिवेट करूँ कि वो गलत रास्ते पर ना जाए। इससे पहले आपने नहीं? इससे पहले मैंने किया नहीं है, सर ने मुझे पहली बार मौका दिया है तो मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। मैम आप बताइए। मेरा नाम आयशु कैलासू है, मैं अपने भाई के लिए आई थी रोल के लिए, पर अली सर ने मुझे रोल दे दिया चेतना का, एक गुजराती फैमिली में, तो मैं अली सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, और मेरे भाई को भी रोल दिया एक छोटे बच्चे का, मतलब भाई का, तो अली सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, और आगे भी रोल मिलते रहेंगे तो मैं इसमें मतलब देती रहूँगी।
माय नेम इज़ दीपाली पंचल और अली सर ने मुझे इस फिल्म के लिए मौका दिया है। काफ़ी अच्छे से मैं कैरेक्टर निभाऊंगी। मेरे कैरेक्टर का नाम है सूर्य का इंस्पेक्टर। इससे पहले मैंने बहुत किया है। यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स मेरे हो चुके हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मेरा हुआ है एक शॉर्ट फिल्म, उसमें सर डार्ट रहे वो सभी के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि बच्चे भी सीखना चाहिए क्योंकि वो फ्रेशर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है सर वो, क्योंकि उनका भी नाम ऊपर हो जाए। प्रेशर जितने भी एक्ट्रेस है उनका भी नाम हो जाए ऊपर। मेरा नाम सुचित्रा दत्तात्रेय वर्माने है, मैं कराड़ में रहती हूँ। इस वेब सीरीज में काम कर रहे हो, कौन सा रोल है, कौन सा कैरेक्टर है आपका? मेरा कैरेक्टर रोशनी का है। इसके पहले आपने कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट किया है? नहीं किया, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। आगे कुछ करने का प्लान है? अगर रोल मिलेगा तो और आगे बढ़ूंगी। मैम आप? मेरा नाम रंजना पगारे है, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। मैं पहले भी एक किडनैपिंग वेब सीरीज में काम कर चुकी हूँ और एक जगह भी कर चुकी है। मेरा तीसरा टाइम में काम करने का, सर के साथ में ही काम किया है। मेरा नाम दिशा देवी पुदेक है, मैं दिवास से हूँ। पहली बार भी मैंने किया है, मतलब एक सीरीज में काम किया है, अब ये दूसरी बार है और आगे मिलेगा तो और भी करना चाहिए। थैंक यू।